आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुतालिक चंद बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। करीब क़यामत के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, और इसको नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना। क्योंकि अब आसमान पर आप उठा लिए गए तो अब आप दोबारा नाजिल होंगे, तो इस नाजिल होने को नुज़ूल कहते हैं। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, आप दीन मुहम्मदी के ताबिया होंगे। तो अगर किसी को इस ज़मीन में कोई मुगालता हो, जैसा कि कादियानी इस चीज़ को बड़ा उछालते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर तशरीफ़ लाना दीन मुहम्मदी के आप ताबे होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे, और लोगों से भी इसी शरीयत पर, यानी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही अमल कराएंगे। जिज़िया को ख़त्म फरमा देंगे, क्योंकि जब काफिर ही कोई नहीं बचेगा तो जिज़िया भी नहीं होगा। और सुअर के जो गोश्त खाया जाता है, जिसे ईसाइयों ने और दीगर और मज़ाहिब ने हलाल कर रखा है, इसकी भी जड़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई मुसलमान के अलावा कोई होगा ही नहीं। तो इसलिए, क्योंकि कोई शख्स काफिर नहीं होगा इसलिए जिज़िया नहीं होगा, कोई शख्स हराम नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा, तो सुअर ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो फार्मिंग वगैरह होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। बतौर जानवर दुनिया में होगा, लेकिन जिस तरह फार्मिंग आजकल होती है कंजम्पशन के लिए, उस तरह नहीं हुआ करेगी। ये दोनों हुक्म जो है ये सादिर होंगे इस तरह के। बारह, तो ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमा दिया इनकी तशरीफ़ आवरी पर, जो मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत जो सबसे पहले आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, यानी कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, के वो ज़ात पाक जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, करीब है कि तुम में इब्ने मरियम हाकिम आदिल होकर उतरें, वो सलीब को तोड़ेंगे और सुअरों को फना कर देंगे, जिज़िये को ख़त्म फरमा देंगे, माल को बहा देंगे हत्ता कि इसे कोई कबूल ना करेगा, हत्ता कि एक सजदा दुनिया और दुनिया की चीज़ों से बेहतर होगा। फिर जनाब अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर चाहो तो ये कुरान करीम की आयत पढ़ो कि कोई अहले किताब से नहीं मगर वो इन पर इनकी वफात से पहले ईमान ले आएगा। وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ। अब इसके बाज़ नुकात हैं, इस पर बात कर लेते हैं। पहला नुकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है कि करीब है कि तुम में, यानी तुम मुसलमानों में वो आएंगे। तुम से मुराद सहाबा कराम नहीं है, सामने तो सहाबा कराम से ख़िताब है, लेकिन चूँकि ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क़यामत तक के लोगों पर लागू है, इसलिए तुम में से मुराद मुसलमानों में। और इसमें जो दूसरी बात सामने आती है कि इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम हाकिम आदिल होकर उतरेंगे, यानी हाकिम भी होंगे और आदिल करने वाले भी होंगे, सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज भी आप ही होंगे, और सलीब को तोड़ेंगे, यानी कि वो लोग जिन्होंने ईसाइत को फ़रोग दिया है, ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर ही फ़रोग दिया है ना, जब उसकी जड़ी ख़त्म हो जाएगी तो सलीब तोड़ने के मुतरादिफ है, सुअरों को फना कर देंगे। मतलब क्या है कि सुअरों का ये लोग शिकार करते हैं, ये जो वाइल्ड बोर्स होते हैं इनको भी ये कंज्यूम करते हैं, इसी तरह आम तौर पर जो फार्म्ड होते हैं इन्हें भी, तो इसी तरह जो है
उलमा ने इसके अंदर ये बयान किया है कि देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुअरों को शिकार करते रहेंगे, मतलब ये है इसका कि किसी शख्स को ना काफिर रहने की इजाज़त होगी ना सुअर खाने ना शराब पीने की। इस वक्त कुफार के लिए दो ही सूरतें होंगी, या तो वो बरसरे पैकार होंगे इस्लाम से, उस ज़मीन में ख़त्म हो जाएंगे, या फिर वो मुसलमान हो जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इससे मुतालिक ये पेशन को ये फरमाई। रही तीसरी बात कि जिज़िये को ख़त्म फरमा देंगे, माल को बहा देंगे, हत्ता कि इसे कोई कबूल ना करेगा, हत्ता कि एक सजदा दुनिया और उसकी हर शय से बेहतर होगा। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के बाद इस कदर बरकत होगी दुनियावी माल में, दिलों में इस कदर तकवा होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हिरस नहीं होगी। लोग इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि अल्लाह की इबादत में वक्त लगाएं बजाय इसके कि दुनिया कमाएं। इसलिए माल को बहाया जाएगा, यानी लोगों को इतना माल दे दिया जाएगा कि सबकी जो है वो बेहतर हो जाएगी हालात ज़िंदगी। उसके बाद लोग मज़ीद की हिरस नहीं करेंगे बल्कि मेहनत करेंगे इबादतों में, दिलों में तकवा होगा कि वो दुनिया की भाग दौड़ के पीछे जाने के बजाय कोशिश करेंगे कि सजदा करें अपने रब के हुजूर, वो उनको दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर होगा। हमारे तो बस क्लेम्स है ना, अंदर तो खाली खुली कुछ भी नहीं, अंदर तो सब खाली है, लेकिन उनमें सही मानों में ईमान होगा, वो लोग मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, शब्बेदार होंगे। तो मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के दम कदम से ज़माने बदलते जाते हैं, दिल तकवे से भर जाते हैं, दिलों पर इनका असर पड़ता है। ये हज़रात लोगों के दिल रंग देते हैं। अब लोग सोच लें कि क्या मिर्ज़ा क़ादियान के ज़माने में ये काम हुए? वो तो अपने आप को कहता है ना कि मैं मसीह माऊद हूँ, नाऊद बिल्ला, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। वो तो यही कहता है, वो तो खुद चंदे मांगा करता था, खुद चंदे मांगा करता था लोगों से, पैसे बटोर के फिर किताबें लिखा करता था। बहरहाल तो यही बात है कि हक जो है वो खुला हुआ है, लेकिन जिसे हिदायत पे आना नहीं है उसको आप ज़बरदस्ती तो ला नहीं सकते। अब इसी रिवायत की जो चौथी बात कि फिर हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अगर चाहो तो कुरान करीम की ये आया मुबारक पढ़ लो, तो इसकी तफसील के ज़िमन में उलमा लिखते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले यहूदी और ईसाई सारे ही आपको अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल मान लेंगे। अभी तो मुसलमान नहीं है ना ये यहूद, तो कहते हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम झूठे नबी हैं और आपकी तरफ अजीब व गरीब चीज़ों की नस्बत करते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले अपने आप को जो ईसाई कहते हैं वो आपके बारे में अजीब से दावे करते हैं। लेकिन वो तमाम दावे यहूद व नसारा के ख़त्म हो जाएंगे, तो उस वक्त वो जो मौजूद होंगे या ईमान ले आएंगे या सामने की फ़ौज में होंगे और मर जाएंगे, तो अहले किताब ईमान ले आएंगे। अच्छा, इस आयत मुबारक का ये मानी नहीं है कि सारे अहले किताब अपनी मौत से पहले हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। इससे मालूम हुआ कि मिर्ज़ा क़ादियानी मसीह माऊद नहीं, वो तो ख़ुद ईसाइयों की सल्तनत में उनका ग़ुलाम बनकर रहा और इन्हीं की ग़ुलामी में मरा। अब आ जाएं दूसरी रिवायत देखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम इब्ने मरियम उतरेंगे हाकिम आदिल होकर, तो सलीब तोड़ देंगे और सुअर फना कर देंगे, जिजिया ख़त्म फरमा देंगे, ऊँटनियाँ आवारा छोड़ दी जाएंगी जिन पर काम काज ना किया जाएगा, और कीने बुग्ज़ हसद जाते रहेंगे, वो माल की तरफ बुलाएंगे तो कोई इसे कबूल ना करेगा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और मुस्लिम बुखारी की रिवायत में है फरमाया कि तुम कैसे होगे जब तुम में इब्ने मरियम उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। अब ये तो रिवायत हो गई, कैफा अंतुम इज़ा नज़ला इब्ने मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। अब ये जो रिवायत हो गई इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, उन पर बात कर लेते हैं एक करके। पहला पॉइंट इस रिवायत का जो आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम इब्ने मरियम उतरेंगे आदिल हाकिम होकर, चूँकि क़ुर्ब क़यामत आप चौथे आसमान से तशरीफ़ लाएँगे, नज़ूल फरमाएँगे, क्योंकि आप बग़ैर वालिद के पैदा हुए इसलिए इब्ने मरियम फरमाया गया, ताकि ये बात बिल्कुल वाज़ह हो जाए।
और इबन मरियम फरमा कर ये बताया गया कि ये मसीह वही हैं जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या ईसा इबन मरियम क़ुरान ने कहा है या ईसा कहा है या इबन मरियम कहा है, जो पहले दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। इस नाम का कोई और आदमी ना होगा। अब अफसोस है, मिर्ज़ा क़ादियानी का नाम तो ग़ुलाम अहमद, माँ का नाम उसके चिराग बीबी, और वो आसमान से उतरा नहीं बल्कि माँ के पेट से जना गया है, मगर फिर भी कहता है कि मैं मसीह मऊद व अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। ढिटाई की कोई हद होती है? अच्छा, दूसरा नुक्ता, तो सलीब तोड़ देंगे और सूअर फना कर देंगे, जिज़िया ख़त्म फरमा देंगे। यानी इन तीनों के मानी मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि सलीब तोड़ने के मानी ये हैं कि सलीब फना कर दी जाएगी, किसी को इसकी परस्तिश की इजाज़त ना होगी, इस तरह सूअर फना कर दिए जाएंगे, ना उन्हें कोई खा सकेगा ना पाल सकेगा। मिर्ज़ाई इन बातों का मजाक उड़ाते हैं कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम सुअरों का शिकार खेलते फिरेंगे, माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, इसका मतलब या ये समझते नहीं या जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, आइए इसमें जो तीसरा नुक्ता है कि ऊँटनियाँ आवारा छोड़ दी जाएंगी जिन पर काम काज न किया जाएगा, तो इस फरमान आली के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि ऊँटों की ज़कात ना ली जाएगी कि माल की ज़्यादती की वजह से ज़कात लेने वाला कोई ना होगा, दूसरे ये कि ऊँटनियों पर सवारी जो की जाती है या इनके ऊपर जो बार बरदार जो चीज़ें लाद कर इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेके जाया जाता है, क्योंकि सवारियां इन कामों के लिए बहुत सारी और ईजाद हो चुकी होंगी, तो ऊँटनियों को इन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप आजकल के ज़माने में भी देख सकते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली दुनिया में दूसरी मशीनरीज जो दरियाफ्त हो गई हैं वो जानवरों की जगह इस्तेमाल हो रही हैं। खेतों में भी आप आ जाएं या अनटिल अनलेस, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जानवर अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चेंजेस आते जा रहे हैं। तो ये ऊँटनियाँ जो हैं तो सही, लेकिन आज़ाद इन अ सेंस ये है कि इनको इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो लिहाजा मिर्ज़ा क़ादियानी का ये कहना कि मेरे ज़माने में ऊँट बेकार हो गए रेल मोटर वगैरह की वजह से, महद गलत है। ये आप देख लें, ऊँटों से तो काम अब भी लिए जा रहे हैं। तो खैर, एनीवे, इसी तरह इसकी जो चौथी जो पॉइंट है इस रिवायत का, और कीने बुग्ज़ हसद जाते रहेंगे, वलतदहबन्ना, और जाते रहेंगी जिसमें जो चीज़ें गिनवाई गई हैं, कीने बुग्ज़ हसद, ये तीन चीज़ों का ख़ास तौर पर ज़िक्र है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की बरकत से लोगों के दिलों से हसद, बुग्ज़, कीने निकल जाएंगे, क्योंकि किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत ना रहेगी, हर एक को दीन व ईमान की लगन लग जाएगी। मोहब्बत दुनिया जो है इन सारी चीज़ों की जड़ होती है, जब जड़ ही कट जाएगी तो फिर शाखें भी ख़त्म हो जाएंगी, और मुख्तलिफ दीन ना रहेंगे, सब एक दीन पर होंगे, गर्ज़ ये दुनिया के झगड़े होंगे ही नहीं, ना दीनी इख्तलाफात होंगे, ना किसी को माल का हिर्स होगा, ना इज़्ज़त व जाह की ख्वाहिश, गर्ज़ के आपकी बरकत से दिलों की काया पलट जाएगी, लोगों के दिल बदल जाएंगे, उनकी काया पलट जाएगी, अच्छाई की तरफ रगबत हो जाएगी। और फिर जो चौथी बात, पांचवी बात जो ज़िम्न में आती है वो ये कि वो माल की तरफ बुलाएंगे तो कोई इसे कबूल ना करेगा, यानी लोगों को माल की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना हवस होगी। किफ़ायत, कनाअत, ये दोनों चीज़ें मैसर होंगी, इसलिए माल लेना मंजूर नहीं करेंगे कि उन्हें रगबत ही नहीं होगी। और ये जो छठा पॉइंट इसमें आता है कि तुम कैसे होगे जब तुम में इब्ने मरियम उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, यानी इस फरमाने आली के चंद माने किए गए हैं कि एक ये कि तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस हालत में उतरेंगे कि नमाज की जमात हो रही होगी और मुसलमानों को इनका इमाम नमाज पढ़ा रहा होगा, यानी कि इमाम महदी, बाद में नमाजें ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाया करेंगे। दूसरा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम तो खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे, मगर इमामत नमाज हज़रत इमाम महदी किया करेंगे, जो अरबी होंगे, कर्शी होंगे, हाशमी होंगे, मुसलमानों में से होंगे। तीसरा ये कि खुद ईसा अलैहिस्सलाम ही तुम मुसलमानों में से होंगे और इमाम होंगे, नमाज पढ़ाया करेंगे। बाद शारहीन ने इस तीसरे मानी को तरजीह दी है क्योंकि पहले दो मानी से लाजिम आएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त भी मुसलमानों में से ना होंगे बल्कि इनका दीन अपना पुराना होगा, पुराना दीन जो जिस शरीयत पर वो आए थे। पहले दो मानी से मालूम हो रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम और होंगे, इमाम कोई और होगा। मगर यहाँ पर मैं साथ साथ इसलिए ये क़ादियानियों की भी मैं यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बड़े फितने लगाए हैं ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर,
तो मिर्ज़ा क़ादियान कहता है कि मैं ही ईसा हूँ, मैं ही इमाम महदी हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही खुदा हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, और ये फिर हदीस पेश करता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम। तो इसकी सारी बातें जो हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी जो है सामने आ जाता है। अच्छा, अब आ जाए अगली रिवायत पर, आज के दर्स की आखिरी रिवायत होगी, फिर इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कुछ और इसमें तफसीलात अगले दर्स में आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत की एक जमात हक पर क़यामत तक लड़ती रहेगी। फरमाया तब ईसा अलैहिस्सलाम ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे तो इनका अमीर कहेगा आइए हमको नमाज़ पढ़ाइए, तो वो कहेंगे नहीं, तुम में से बाज पर अमीर हैं, ये अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के एहतराम की वजह से। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। तो अब इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। क़यामत से मुराद क्या है? क़यामत से मुराद करीब क़यामत है, जबकि दुनिया में मोमिन और काफिर दोनों होंगे। क़यामत के क़याम के वक्त तो मोमिन होंगे ही नहीं। और ताइफ़ा जो लफ्ज़ आया है हदीस में कि ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलून अलल हक़ ज़ाहिरीन इला यौमिल क़यामा, कि एक जमात हक पर क़यामत तक लड़ती रहेगी। तो ताइफ़ा से मुराद इस्लाम के गाजी मुजाहिद और उलमाए रब्बानी, सूफिया कराम, औलिया अज़ाम, ये तमाम लोग हैं जो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। ये तमाम लोग अल्लाह की राह में झूठ और बातिल के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, तमाम जमातें। इससे मालूम हुआ कि ये मामला क़यामत तक है। मगर अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम मिर्ज़ा क़ादियानी कहता है कि मैंने जहाद मनसूख कर दिया। ये देखें ना, ये इन लोगों के झूठ के पलंदे, इसीलिए तो आपके सामने खोल रहा हूँ। आ जाएं इसी रिवायत का जो दूसरा नुक्ता है। फरमाया तब ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे तो इनका अमीर कहेगा कि आइए हमको नमाज़ पढ़ाइए, तो वो कहेंगे, तो अमीर से मुराद इमाम महदी हैं जो मुसलमानों के उस वक्त दीनी अमीर होंगे। वो कहेंगे कि आप मुझसे अफजल हैं, कि आप अपने वक्त के नबी और उस वक्त के इस वक्त के आलिम हैं, मुज्तहिद हैं, तो आप नमाज़ पढ़ाइए। तो वो कहेंगे कि नहीं, तुम में से बाज पर अमीर हैं, ये अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के एहतराम की वजह से। तो इसके बारे में फिर उलमा ये लिखते हैं कि यानी मैं नमाज पढ़ाने नहीं आया, दीन इस्लाम की दूसरी खिदमतें करने आया हूँ, इमाम आप ही हैं। अव्वल वक्त तो आप ये फरमाएंगे, बाद में बहुत सी नमाजें बारहा पढ़ाएंगे। लिहाजा ये हदीस उन अहादीस के ख़िलाफ़ नहीं जिनमें है कि ईसा अलैहिस्सलाम इमामत करेंगे। तो ये तशरीहात मिरकात में और मुख्तलिफ और तशरीहात में उलमाए कराम ने ये तशरीहात की हैं। एक हदीस और देख लेते हैं, फिर आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम ज़मीन की तरफ उतरेंगे। यंज़िल ईसा इब्ने मरियम इलल अर्द, निकाह करेंगे, फ़यतज़व्वजु, निकाह करेंगे, वयूलदु लहू, और उनकी औलाद भी होगी, وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً, और 45 साल 45 ईयर्स वो दुनिया में क़याम करेंगे, रहेंगे, फिर वो वफात पा जाएंगे, ثُمَّ يَمُوتُ, वो वफात पा जाएंगे, और किधर दफन होंगे, فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي, मेरे साथ मेरे मकबरे में दफन किए जाएंगे। तो हम और ईसा इब्ने मरियम अबू बकर और उमर के दरमियान एक मकबरे से उठेंगे। इसे इब्ने जोज़ी ने किताबुल वफा में रिवायत किया है कि फ़ाकूमु अना व ईसा इब्ने मरियम फ़ी क़ब्र वाहिद बैन अबी बकर व उमर। अच्छा, अब इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। ये जो पहला पॉइंट आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन की तरफ उतरेंगे, निकाह करेंगे, उनकी औलाद होगी, तो ज़ाहिर है कि आप निकाह एक ही करेंगे और औलाद एक से ज़्यादा होगी। तफसील हमें नहीं पता कितनी होगी, क्या होगी। बहरहाल दूसरा पॉइंट, और 45 साल क़याम करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन में ठहरने के मुतालिक तीन रिवायतें, एक 7 साल की, एक 40 साल की, एक 45 साल की। इनमें मुताबिकत जो है उलमा ने इस तरह पैदा की है, वो कहते हैं कि आप 33 साल की उम्र में आसमान पर तशरीफ़ ले गए और अब करीब क़यामत तशरीफ़ लाकर 12 साल ज़मीन में रहेंगे।
जिन रिवायात में 45 साल है वहाँ ये मजमूई पूरा क़याम मुराद है, जिनमें 40 है वहाँ मजमूई दोनों क़यामों के दहाई ले ली गई है, यानी 30s and 40s। इकाई जो मिसल कसर के है छोड़ दी गई है। 7 साल वाली रिवायत में आइंदा क़याम का जिक्र है। 5 साल दज्जाल को फलाह करने या याजूज माजूज से मुसलमानों को बचाने, दुनिया में इंतज़ाम कायम करने में सर्फ होंगे, और फिर 7 साल मुद्दत खिलाफत है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि तफसील सही मानों में क्या है। उलमा ने मुताबिकत पैदा की है, वो मैंने आपसे जिक्र कर दी। अच्छा, जो इस ज़मीन में आखिरी एक दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो ये है कि तो हम और ईसा इब्ने मरियम, अबू बकर और उमर के दरमियान एक मकबरे से उठेंगे, ये पॉइंट है, और उससे पहले वाला पॉइंट, और फिर वो वफात पाएंगे, मेरे साथ मेरे मकबरे में दफन किए जाएंगे, एक ये पॉइंट। तो पहले इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि चुनाचे अब रोज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 कब्रें मौजूद हैं, चौथी कब्र की जगह खाली है, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। लोगों ने इमाम हसन को वहाँ दफन करना चाहा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी, मगर बनू उमैया ने दफन न होने दिया। अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मर्ज़ी। फिर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ को दफन करना चाहा, जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी, मगर ये भी ना हो सका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से लोगों ने कहा कि आप वहाँ दफन हों कि घर आप ही का है, मगर आपने फरमाया नहीं, मुझे मेरी सहेलियों यानी दूसरी अजवाज के साथ दफन करो बकी में। तो इरादा इलाही था कि वो जगह खाली रहे, लेकिन अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। जो भी उसके अंदर जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जो भी अजबाब पैदा हो जाए, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। इसी तरह जो आखिरी पॉइंट इस रिवायत में, ईसा इब्ने मरियम अबू बकर उमर के दरमियान एक मकबरे से उठेंगे, यानी यहाँ कब्र से मुराद मकबरा है, यानी क़यामत के दिन रोज़ाए अनवर से हम 4 सालिहीन उठेंगे, जिनमें 2 तो नबी होंगे, और वो भी नबी ऐसे जो रसूल, और रसूल भी ऐसे जो उलुल अज़्मी मिन रुसुल में से, किताब वाले, यानी ऐसे रसूल जिन्हें अल्लाह ने ऐसी किताब दी जो ऐसी बाबरकत और मशहूर किताब जिसका जिक्र बनाम कुरान में मौजूद है। बहरहाल, और दाएं बाएं सिद्दीक़ और उमर फारूक, सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो गोया मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन के जो कुरान करीम की आयत है ना, वो पूरी यहाँ पे उसका मसर आपको मालूम होता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक बाद अम्बिया सबसे अफजल और सबसे बढ़कर खुश नसीब है। इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद तफसीलात अगले दर्स में देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।